अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज को टेक्नो स्पार्क 4 KC1 और KC2J की FRP के बारे में बताऊंगा कैसे खोलनी है। तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है और वाईफाई के लिए कनेक्ट करना है। वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ आपके पास अगर वाईफाई है तो आपने अपने वाईफाई को ओपन करके ऐसे पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट नहीं है डायरेक्ट है तो डायरेक्ट इसको इसी तरह से ओपन करना है। तो यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, नो डॉट करना है, इस तरह खुलेगा। और नेक्स्ट यहाँ आप पैटर्न के बजाय आप यूज़ एन अदर gmail ID पे जाओगे। gmail ID पे आप गए हो तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना, तो ये यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको कीपैड सेलेक्ट करना है। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा, और आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। अगर नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आपने दबाना है इसको, और इस तरह कीपैड खुलेगा आपका। तो यहाँ लैंग्वेज जहाँ पे सेटिंग आती है तो वहाँ आपको दबा के रखना है। जिस तरीके से मैं दबाऊँगा तो इसी तरीके से आपने दबा के रखना। तो यहाँ पे कीपैड की जगह जी बोर्ड आपने करना है। जी बोर्ड को किया आपने सेलेक्ट, तो उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा तो वहाँ उसको दबा के रखना है। इस तरीके से लैंग्वेज के बटन को दबा के रखना ताकि उससे मैं ऑप्शन खोल दें। तो ऑप्शन आपके खुल गए तो यहाँ आपने यूज़ लैंग्वेज सेटिंग करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। लैंग्वेज सेटिंग यूज़ करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट करोगे लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पे अर्बन लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करूँगा। अर्बन इस तरह की डॉट जो आगे सामने इस तरह का डॉट आएगा तो ये मैं आपको सेलेक्ट करके बताऊँगा। जहाँ पे अर्बन आएगा, ये अर्बन आ गया अरबिक, तो अरबिक को हमने सेलेक्ट करना है। इसको ओके कर देना है, जिस तरीके से मैंने ये ओके किया, इसको ओके करना है। यहाँ पे तीन डॉट आएगा ऊपर, और तीन डॉट को ओके करने के बाद आपको हेल्प एंड फीडबैक आएगा। हेल्प एंड फीडबैक पे आप डायरेक्ट बस इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अबोट स्विट एसेस टू एंड्राइड, तो यहाँ पे आपका यूट्यूब खुलेगा। आपने यूट्यूब की वीडियो के ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से। तो इस तरह से डायरेक्ट ये गूगल में खुल जाएगी, इस तरह की ये वीडियो को डायरेक्ट करना और ये गूगल पे खुल जाएगी। गूगल यूट्यूब के अंदर जाएगा और वहाँ से आपने टर्म पे क्लिक करना है या सेटिंग पे क्लिक करना। सेटिंग के बाद अबाउट पे क्लिक करना है, ये डायरेक्ट आपकी जो है ये सेटिंग खुल जाएगी। सेटिंग जो है आपकी गूगल में खुलेगी, वहाँ आपने लिखना है नेक रीडर, NENCKREADER, नेक रीडर लिखना है। नेक रीडर लिखने के बाद आपने इनको डाउनलोड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ FRP बाईपास। और इस पे जो फाइल है फॉर एंड्रॉयड फाइल, उसको आपने डाउनलोड करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप बने रहें वीडियो के साथ, आपको पूरी तरीके से समझ आएगी। रफीक मोबाइल .com के साथ आप जुड़े रहें। इस तरीके से आपने डाउनलोड करना है, इसको नेक्स्ट करना है, अलो करना है। अलो करने के बाद इस तरह आपकी फाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब ये डाउनलोड हो रही है, कुछ अर्से के बाद ये डाउनलोड ऑलरेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने एक एंड्रॉयड फाइव वाली करनी है, क्योंकि बाकी जो उनके साइज़ ज़्यादा हो जाएंगे। फाइव वाली को आपने डाउनलोड करना है इस तरीके से। अगर नहीं ओपन होती तो फिर से बैक चलोगे, दोबारा से इसको लेके चलोगे तो ये ओपन हो जाएगी ऑलरेडी। अभी भी नहीं हो रही, अब हो रही है। तो फाइव पे आपने लेके जाना है इस तरीके से, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर देना है। चेक करता हूँ मैं, अभी ये डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड हो जाएगा तो इसको इंस्टॉल करना है। अभी ये देखो डाउनलोड हो रही है। अब इसको इंस्टॉल करना है, इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट ओके डन कर देना है।
बैक चलना है, एफ आर पी फाइल जो है उसको ओपन करना है, फिर दोबारा से नहीं आएगी तो बैक जाना है डायरेक्टली, बैक से फिर स्टार्ट करना है और इसको डाउनलोड करना है। बैक से फिर आपने एफ आर पी के लिए इसको क्लिक करना है। अब जो ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड शुरू हो गई, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई। दोबारा से इसको आप क्लोज़ करना, इसको ऐड को क्लोज़ करना, दो तीन चार मरतबा क्लोज़ करना, तो आप से डाउनलोड करना इसको दोबारा से, तो ये ओपन ऑलरेडी हो जाएगी। अभी मैंने चेक किया नहीं डाउनलोड हो रही है, अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये होगी, ओपन करो इसको, ओपन करना, अब इसको ओपन करना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद इसको ओपन करना। कंपेरिजन इसको कर दो, तो यहाँ ये डबल फाइल हो चुकी थी इसलिए ओपन करना, थ्री डॉट पे मारना और ब्राउज़र को ओपन करना, ओके कर देना। अब यहाँ पे आपको जीमेल गूगल अकाउंट जो अपना वो लगाना, क्या गूगल अकाउंट है वो आप अपना अकाउंट लगा सकते हैं, और उसके बाद आप अकाउंट लगाने के बाद फ़ोन को, अकाउंट और पासवर्ड लगाने के बाद फ़ोन को डायरेक्ट रीस्टार्ट कर सकते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये थोड़ा वेट करेगी, चेक करते हैं इसे डायरेक्ट खुलेगा बैक ओके या नहीं खुलेगा, अब रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब इसको मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, अब स्विच ऑफ करेंगे और उसके बाद इसको डायरेक्टली ऑन करेंगे। एक टेक्नो का फ़ोन हमारा अब जो है ये एफ आर पी बाईपास हो चुका है, अब हम इसको नेक्स्ट करके आपको डिस्प्ले तक पहुंचा के देंगे, फंक्शन वगैरह टोटली ऑन होंगे। तो इस तरीके से आप बने रहें वीडियो के साथ, जो भी वीडियो आपको देखनी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल rafiq.com के ऊपर हर तरीके की एफ आर पी की वीडियो मौजूद होती है, तो आप यहां से देख के इसकी एफ आर पी अनलॉक कर सकते हैं। ओके करना है, तो यहां आपको स्किप ही स्किप करना है और डायरेक्टली आप वहां तक पहुंच जाओगे, स्किप नॉट नो, क्योंकि आपको पैटर्न नहीं चाहिए, अगर चाहिए था तो आप इसका पैटर्न जो है ऑन कर सकते थे, नॉट नो, नेक्स्ट, ओके ओके अबोव, ओके क्लिक, ओके ओके यहाँ से लैंग्वेज इंडिया हमारा कंट्री सिलेक्ट है, तो यहाँ नेक्स्ट आई, अब आई हैव अबो, इसको ओके करना डायरेक्ट नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद टोटली फंक्शंस आपकी ऑन और आपका फ़ोन डन एफ आर पी हो जाएगा। अभी आपका फ़ोन जो है डन हो रहा है, एफ आर पी डन बल्कि हो चुका है। आपने यहाँ से जाके अपना जीमेल अकाउंट जो आपने लगाया वहाँ आप रिमूव कर सकते हैं, अगर आपका खुद का सेट है तो रहने दो, नहीं अगर किसी का सेट है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से था ये फ़ोन जो स्पार्क का J4 KCI और KC2 का फ़ोन, तो बने रहे यूट्यूब के साथ।